हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करबी प्लस थ्री टू सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर थारु सिक्स्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन ता सहित मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर थारु फर्स्ट सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्ये आलोचना करी एवं फोर फाइव सिक्स सेमिस्टर मु एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस रो समस्त वीडियो अपलोड कर सारी आपण माने प्लेलिस्ट जाके देखि पारिबे। मु सेपरेट सेपरेट भाग कर देछि तो चालन तो आलोचना करबा आज रे विषय वस्तु। एठरे हमर तीन दुईटी पेपर अछि, थ्री एवं फोर पेपर। मो थ्री पेपर यूनिट फोर आलोचना करूछि, पेपर थ्री यूनिट फोर। मो शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना कर सारी, एबे मु लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करछि। क्वेश्चन नंबर वन मु आलोचना कर सारी। क्वेश्चन नंबर टू, शिक्षा सुजोगर समानतार अर्थ कौन? साधारण अर्थर शिक्षा सुविधा सुजोगर वंचित श्रेणी एवं व्यक्ति माने शिक्षा को मानदंड रूपे ग्रहण करी सेमानंकर अवस्थान उन्नति साधन करिबा। व्यक्ति भित्तिक शिक्षा व्यवस्था ही एही शिक्षा सुजोगर समानता आणिबा लागि सहायक होइथाय। अतए प्रत्येक व्यक्तिर आग्रह अभिक्षमता और दक्षता गुड़ी को अनुसंधान करी तदनुजाई शिक्षा क्षेत्र रे सुविधा सुजोग जगाई देवा सह प्राकृतिक धारारे सेमानंकर अंतर्निहित प्रतिभा गुड़िकर उन्नति विभिन्न प्रकारर सुविधा सुजोग प्राप्त होई निजर अंतर्निहित सामर्थ्यर विकास साधन करिबे बा करि पारिबे। जातीय विकास पाई उभय भौतिक और मानविक संबलर विनियोग करिबा एकांत आवश्यक। एकथा सत्य जे मानव संबल विकास दिगरे शिक्षार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रत्येक नागरिक हिसाब से शिक्षा मानदंड मानविक अधिकार एही नीति रे निजर सामर्थ्यता और अंतर्निहित प्रतिभा गुड़िकर विकास पाई आवश्यक सुविधा सुजोग प्रदान करागला। से माने उपयुक्त भावरे विकसित होबा संगे संगे निजकु जातीय विकास दिगरे नियोजित होई करि पारिबे। तेणु मानव संबल उपयुक्त विनियोग पाई सटीक सुविधा सुजोग प्रदान करिबा उचित। नेक्स्ट, समानता अधिकार समर्थित समाज गठन। साधारणतः सामाजिक व्यवस्थार सुपरिचालना प्रत्येक समाज निर्दिष्ट मान उपरे निर्भर करे। भारतीय समाज रे विभिन्न क्षेत्र रे असमानता परिलक्षित होइथाए। एही विभिन्नता को दूर करिबा पाई समानता अधिकार समर्थित समानता गठन आवश्यकता रही। एही समाज केवल समानता और सामाजिक न्याय को विभिन्न सामाजिक व्यवस्थार मानव भाव ग्रहण करी थाए। नेक्स्ट, गणतंत्र सफलता। शिक्षा समानता द्वारा नागरिक माने निजर दायित्व कर्तव्य और अधिकार विषय रे अवगत होबा संगे संगे गणतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूपे पालन करिथांती। तेणु गणतंत्र सुरक्षा पाई प्रत्येक नागरिक शिक्षा ग्रहण बा वांछनीय। आम देश भारत वर्ष पृथ्वीर सर्वबृहतम गणतांत्रिक राष्ट्र तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अटे। एठारे गणशासन और गणभोट द्वारा प्रतिनिधिमूलक सरकार द्वारा परिचालित होइथाय। साधारणतः आम संविधान रे नागरिक मानंगो छह गोटी मौलिक प्रतिनिधिमूलक सरकार द्वारा परिचालित होइथाय। साधारणतः आम संविधान रे छह गोटी मौलिक अधिकार सह शिक्षा को मध्य मौलिक अधिकार मान्यता दिया जाइछि। एही अधिकार मध्यरु समानता एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। एही दृष्टिरु विचार कले शिक्षा क्षेत्र रे समानता रक्षा करिबा उचित। नेक्स्ट, प्रतिभार अनुसंधान। व्यक्तिर सामर्थ्यर उपयुक्त विकास पाई तार अभिक्षमता आग्रह और दक्षता को स्वतंत्र भाव विचार को
दिया उचित यहाद्वारा समानता सुविधा सुजोग प्रदान संभवपर होइथाए। एही प्रक्रिया रे यथार्थ ज्ञान और कौशल हासिल करिबा निपुण व्यक्ति तत्संगे संगे जड़ित कार्य निजको नियोजित करी व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति साधन करिथाए। समान सुविधा सुजोग प्रदान क्षेत्र में प्रतिभार अन्वेषण एक वास्तव पदक्षेप अटे। एही प्रतिभार विकास और अन्वेषण पाई शिक्षा समानतार आवश्यकता रही। नेक्स्ट दक्ष कर्मचारी चयन समाज विभिन्न क्षेत्र में कार्य निर्वाह निम्ते आवश्यक मानव संबल और समाज में मिलुथिबा दक्ष कर्मचारी मानंक मध्यरे सुसंपर्क रक्षा करिबा जातीय अभिवृद्धि तथा विकासर मूलमंत्र अटे। अतएव प्रत्येक मनुष्य मध्यरे थिबा लुकायित प्रतिभार अन्वेषण करि तहिर विकास पई शिक्षा क्षेत्र में समान सुविधा सुजोग प्रदान करिबा विधेय। नेक्स्ट शिक्षा सुजोगर समानता प्रतिबंधक लेख साधारणत शिक्षा सुजोगर समानता प्रदान अनेक गुड़िए उपादान द्वारा प्रभावित होता है। सेगुड़िक परिवारर अर्थनैतिक स्थितिर पार्थक्य प्रकृतर कहिबाकु गले सबु परिवारर आर्थिक अवस्था समान नुहे जेउति पई धनी परिवारर पिला माने इंग्राजी मध्य विद्यालय रे उच्च मानर पाठ पढ़ुतिबा बेले गरीब पिला माने से विद्यालय रे पढ़ा पाठ पढ़िबार संभव होइन थाए। नेक्स्ट लिंगगत प्रभेद भारत एक रक्षणशील देश जेउति पई समाज रीति नीति अंधविश्वास झीओ जन्म शाशु घर को यही सब कथा को आखि आगरे रखी अनेक बापा माँ झीओ को पाठ पढ़ा दिंती ना जदि गोटे पर झीटे एवं पुओटे अच्छी ताल पुओ को पाठ पढ़ार सुजोग मिली थाए। नेक्स्ट आंचलिक वैषम्य भारत समस्त अंचल ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण सामान नुहे जो अंचल गुड़िक पछरे पड़ रही सेगुड़िकरे समान शिक्षा सुजोग खूब कम व्यवस्था होइथाय। तेणु समान शिक्षा सुजोगर अभाव हेतु अनग्रसर पिला माने उन्नत अंचलर पिला मानंक ठारु सबु क्षेत्र रे वंचित होइथान्ति। नेक्स्ट घ पारस्परिक परिवेश रे पार्थक्य साधारणतः देखा जाए जे ग्राम्य विद्यालय गुड़िक सहर विद्यालय अपेक्षा अत्यंत रुग्ण विशेष करी जो पिला माने ग्राम्य विद्यालय रे पाठ पढ़ती से माने सहर विद्यालय पिला मानंक सहित प्रतियोगिता करी पारंती नाही। सही परि सहरांचल और ग्रामांचल पिला जथा सरकारी विद्यालय और घरोई विद्यालय मध्यरे एक प्रकार प्रभेद मध्य देखा जाए। नेक्स्ट पारिवारिक परिवेश रे पार्थक्य सबु परिवार समान नुहे केऊ परिवार शिक्षित थिबा बेले केऊ आउ केऊ परिवार अशिक्षित साधारणतः शिक्षित परिवार रे एक शिक्षा प्रद वातावरण थाए। शिशु आपे आपे बहु कथा शिखिथाए मात्र अशिक्षित परिवार रे शिशु ए प्रकार सुविधा सुजोगर निश्चित भाव वंचित होता है। नेक्स्ट समाज धनी और गरीब वर्ग मध्य पार्थक्य साधारणतः देखा जाए जे धनिक श्रेणी और दरिद्र श्रेणी मध्य अनेक प्रभेद देखा जाए। से हीपरी तफसिल भुक्त जाति और उपजाति आदिवासी जाजावर समाज लोक मैंने आगुआ वर्गों सहित समाज चली पारि न थांती। नेक्स्ट आवश्यक सुविधा सुजोगर अभाव सबु स्थान रे समान शिक्षागत सुविधा नहीं एपरी स्थान अच्छे जोठार एपर्यंत प्राथमिक विद्यालय टीए ना तेणु से स्थान रे पिला मानंकर पाठपढ़ा निश्चित भाव से जो स्थान रे पिला मानंकर पाठपढ़ा निश्चित भाव जो स्थान रे पिला मानंकर पाठ पढ़ा
प्राथमिक ठारु कॉलेज पर्यंत रही पाठपढ़ा सुविधा सुजोग अनेक प्रभेद देखा मिलता है। तेणु समस्त पक्ष में पैसा खर्च कर दुई स्थान को जा पढ़ा आद संभव नुह को शारीरिक और मानसिक दक्षता मध्य प्रभेद सब पिलामानंकर शारीरिक और मानसिक दक्षता समान न थाए। अंध मुक बधिर छोटा शारीरिक विकलांग पिलामाने साधारणतः पिलामानंकर सहित कौनसी गुण रे प्रतियोगिता करि परंती नहीं। तेणु आम देश में एही पिलामानंकर शिक्षागत सुविधा सुजोग विद्यालय परिदृष्ट हुए नहीं। सेमानंक निमन्ते स्वतंत्र व्यवस्था मध्य नहीं। तेणु शैक्षिक व्यवस्था अभाव से माने साधारणतः अनग्रसर और अवहेलित अवस्था रही था। नेक्स्ट असफल शिक्षादान सुविधा सुजोग थाई मध्य शिक्षक मानकर श्रेणी गृह शिक्षादान शैली विभिन्न वर्गर शिक्षार्थी मान प्रभावित कर समर्थ हो फल मानव संबल उपयुक्त मार्गीकरण क्षेत्र में अनेक असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ू। तेणु जड़े श्रेणी गृह शिक्षक शिक्षार्थी मध्य वैषम्य को चिह्नट करने सहित विहित उपाय अवलंबन कर श्रेणी गृह चाहिदा पूरण करिबा आवश्यक। नेक्स्ट भाषा और उपभाषार प्रभाव नूतन जातीय शिक्षा नीति 1986 प्रणयन पर प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक और परिमाणात्मक विकास पाई सरकार अनेक विभिन्न अनेक उन्नतिमूलक योजना कार्यकारी करिसंती। मातृभाषार पाठ्यपुस्तक प्रणयन और मागणा पाठ्यपुस्तक जोगाण उपर गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 4 शिक्षा सुजोग समानतार आवश्यकता गुरुत्व वर्णना कर। गणतंत्र शासन रे समानता शब्दटी सब दृष्टि रु सर्वोच्च भावे समान बा गाणितिक समानता को सूचाए नाही कारण प्रत्येक गणतंत्र रे प्रतिबंधक बा बाधा सृष्टिकारी उपादान दंडायमान होइथांती। एहार एक उदाहरण हेउची व्यक्तिगत पार्थक्य प्रतिपादित करे जे जणे व्यक्तिर अंतर्निहित प्रतिभा अन्य जणे व्यक्ति ठारु संपूर्ण पृथक। शिक्षा अंतर्निहित प्रतिभार विकास रे सहायक होउतिबारु विभिन्न अंतर्निहित प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को भिन्न भिन्न सुविधा सुजोग प्रदान करा जिबा आवश्यक। अतएव शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को निजर रुचि आग्रह और सामर्थ्यता अनुसार सुविधा सुजोग प्रदान कर तार व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास साधन को शिक्षा सुजोगर समानता कहुए। नेक्स्ट शिक्षा सुजोग समानता रतेक आवश्यकता और गुरुत्व को गणतांत्रिक नीति को विश्वास करवा। गणतंत्र मुख्यतः तीनोटी नीति उपर पर्यवेक्षित यथा व्यक्तिगत मूल्यबोध को स्वीकार प्रत्येक को समान सुविधा सुजोग प्रदान एवं व्यक्तिगत मंगल साधन परिदृष्टि स्थिति को स्वीकार करने। नेक्स्ट उक्त नीति गुड़ी को हासिल करने शिक्षा सुजोग समानता उपरे प्राधान्य दिया विधेय। नेक्स्ट सामाजिक न्याय प्रति आंतरिकता जाति धर्म वर्ण अर्थनीति और सामाजिक वैषम्य दूर करने पाई देश में प्रचलित न्याय व्यवस्था को सम्मान जनाइबा आमर कर्तव्य। शिक्षा क्षेत्र में समान सुविधा सुजोग प्रदान करने द्वारा समाज सबु वर्गर विकास संभव हो पार। नेक्स्ट धर्म निरपेक्षता को समर्थन भारत वर्ष एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र तेणु आम देश में बसवास करुवा अधिवासी माने सो इच्छा रे जे कौनसी धर्म ग्रहण करें। शिक्षा सुजोग समानता क्षेत्र में धर्म आधार कौन सी कटकणा परिलक्षित हुए नहीं।
तेणु प्रत्येक व्यक्ति निज धर्मर विकास सहित मनर संकीर्णता भाव दूर करी जातीय शिक्षा व्यवस्था सामिल हो समस्त सुविधा सुजोग ग्रहण करिवे। नेक्स्ट अंतर्निहित शक्तिर सदुपयोग व्यक्तिगत पार्थक्य द्वारा प्रभावित होउतिबारु प्रत्येक व्यक्ति एवं संपूर्ण स्वयं संपूर्ण सत्ता से केतेक अंतर्निहित गुण नहीं जन्म ग्रहण करिथाय। एही लुकायित प्रतिभा और शक्ति मानंकर उपयुक्त विकास साधन हेले तार संपूर्ण विकास होई पारिबो। शिक्षार्थी मानंको उपयुक्त परिवेश जगाई देवा सहित प्रत्येकंकर अंतर्निहित प्रतिभार विकास साधन पाई आवश्यक सुविधा सुजोग शिक्षा क्षेत्र में प्रदान करने आवश्यक। नेक्स्ट वृत्तिगत सामर्थ्यर वृद्धि आधुनिक शिक्षार प्रथम और प्रधान लक्ष्य होउछि व्यक्ति को स्वावलंबनशील करिबा। व्यक्तिगत पार्थक्य को अनुध्यान करी शिक्षार प्रत्येक स्तर वृत्तिगत ज्ञान और कौशल हासिल पाई सुजोग प्रदान करागले व्यक्ति जिगरे सफलता लाभ करी भविष्यतरे स्वावलंबी हो पारिबो। नेक्स्ट अर्थनैतिक विकास आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे मानव संबल सदुपयोग उपरे विशेष प्राधान्य दिया जाउछि। वर्तमान आम देश रे जनसाधारण जनगणनारो जणा जाय जे समग्र जनसंख्यार प्राय अर्धेक महिला अटंती। पूर्वर महिला मानंकर शिक्षा क्षेत्र रे आम देश विशेष ध्यान नेउथिबारु विभिन्न क्षेत्र रे से माने अवहेलित होउछन्ती। नेक्स्ट अपारग शिशु मानंकर विकास शारीरिक अक्षम बा विकलांग शिशु मानंकर शिक्षा दान पाई स्वतंत्र विद्यालय स्थापन ओ आधुनिक वैज्ञानिक जंत्रपातिर व्यवहार जोगु विशेष करी अंधमुक बधिर ओ मानसिक अनग्रसर शिशु माने शिक्षा लाभ करी साधारण वर्गर लोकमानंक सहित सक्षम होई पारुछंती। नेक्स्ट जातीय विकास प्रकृतरे कहिबाको गले देशर समृद्धि तार शिक्षा व्यवस्था उपरे निर्भर करे। आम देशर सर्वांगीन उन्नति साधन करिबा एवं अन्यान्य विकसित राष्ट्र सह समकक्ष हेबा पई प्रचलित शिक्षा व्यवस्थार उन्नति साधन करिबा एकांत प्रयोजन। जाति धर्म वर्ण और लिंगगत वैषम्य को दूर कर समस्त को शिक्षा प्रदान करिबा उचित। यहाद्वारा लोक मानंक मध्यरे मनरे थिबा संकीर्णता दूर होई जातीय एकता भाव सृष्टि हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अनुसूचित जाति मानकर समस्या उपरे आलोकपात करो। आम देश भारत वर्षरे बहु पुरातन कालरु जाति प्रथा रहिछि। वैदिक युगरे समाज को मुख्यतः चारि गोटी जाति रे विभक्त करा जाए यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र जाति। एतत् व्यतीत नीच जातिर लोक मानंकु शूद्र पंचम ओ अदृश्य बोली कहा जाए। सही समय रे उच्च ओ साधारण जातिर लोक माने अदृश्य बा शूद्र मानंकु नीच दृष्टि रे देखि आसुथिले। सर्वप्रथमे अनुसूचित जाति शब्दटि सर्वप्रथमे 1927 मसीह रे साइमन कमिशन द्वारा उच्चारित होता। से 1931 मसीह जे एच हटन एम को व्यवहार बाह्य जाति भाव नामित करते भारत सरकार आईन रे केतेक निर्दिष्ट जाति को बुझाइबापी व्यवहृत करा तत्कालीन इंग्रज सरकार 429 जातिर एक चिट्ठा प्रस्तुत करिबारे करिथिले एवं सेमानंको अदृश्य बोली आख्या देथिले। निम्नरे अनुसूचित जातिर संज्ञा प्रदान करागला क डीएन मजुमदार अदृश्य जाति हेउचंती सेही जाति माने जेउ माने कि विभिन्न प्रकारर सामाजिक और राजनैतिक बाधार सम्मुखीन होइथांती एवं तन्मध्यरु अधिकांश
परंपरा द्वारा निर्धारित एवं सामाजिक भाव जाति द्वारा बाधित होती। नेक्स्ट जी एस घोरे मतरे अनुसूचित जाति से ही दल को बुझाए जाकर नाम से ही समय कार्यकारी हो आसुवा अनुसूचित जाति क्रम रही। नेक्स्ट अनुसूचित जाति मानकर समस्या एक सामाजिक समस्या साधारणतः छुआ अछुआ भेदभाव जो अनुसूचित जातिर लोक मैंने निम्न सामाजिक प्रस्थितर रही था सेमान को समस्त सर्वसाधारण स्थान जथा मंदिर मठ आश्रम इत्यादि बारण करपरी उच्च जाति लोक मानकर बासस्थल निकटरे से माने गृह स्थापन करती ना से माने समस्त दृष्टिकोण बहुत पछरे था। नेक्स्ट अर्थनैतिक समस्या अर्थनैतिक दृष्टिकोण अनुसूचित जातिर लोक मैंने बहु पछुआ थिले से माने प्रायतः भूमिहीन थिले से मानंक मध्यरु केही केही संपत्ति क्रय करने को सक्षम होउथिले मध्य से मानंकु सुजोग प्रदान करा जाय नथिला से माने बाध्य होई जमी मालिक तथा धनी श्रेणीर लोक मानंक घरे अमजूरी लागि चलुथिले से मानंक निर्दिष्ट कौलिक वृत्ति नथिला। नेक्स्ट राजनैतिक समस्या पूर्वर अनुसूचित जातिर लोक मैंने राजनैतिक क्षेत्र रे ओ शासन क्षेत्र रे अंशग्रहण करिवार सुजोग पाउथिले प्रायतः उच्च जातिर लोक मैंने राजनीतिक सरकार शासन ओ उच्च पदवी रे लाभ क्षेत्र रे सुजोग पाउथिले नीच जातिर लोक मैंने केवल उच्च जातिर लोक मानक द्वारा शासित होउथिले। नेक्स्ट धर्मगत समस्या यही समस्याटी अनुसूचित जातिर लोक मानक एक विराट समस्या अदृश्य अस्पृश्य जातिर लोक मानक समस्त धर्मानुष्ठान फाटक बंद कर दि जाइला से माने अपवित्र और घृणीय जाति भाव विवेचित होते से संस्पर्श से जी आसब से पवित्र हो पार बोली पवित्र होइजीव बोली उच्चारित लोक मैंने साधारण सृष्टि करते। नेक्स्ट शिक्षागत समस्या पूर्वर अनुसूचित जातिर लोक मैंने शिक्षा ग्रहण सुजोग पाउन से माने साधारण वर्गर शिक्षार्थी मानक उद्दिष्ट विद्यालय पाठ पढ़वार सुजोग पाउन से माने साधारण वर्गर शिक्षार्थी को सुजोग पाउन छुआ अछुआ भेदभाव एवं उच्च जातिर लोक मानक रक्षणशील मनोभाव हेतु नीच जातिर पिला माने पढ़ा दूर कथा विद्यालय प्रवेश कर पार जहाद्वारा से माने निरक्षर हो रही आसुले। क्वेश्चन नंबर सिक्स अनुसूचित जाति मानक निम्ते स्वतंत्र कल्याणकारी पदक्षेप उल्लेख कर एवं मु वीडियो माध्यम से देखिए आप नोट करे। कारण सबगुड़ आलोचना कले वीडियो लम हो। क्वेश्चन नंबर सेवेन अनुसूचित जनजाति संपर्क वर्णना कर। आज आलोचना समाप्त करुच्ची परवर्त वीडियो अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करी। नमस्कार।